अरे वाह, लगता है बापू जी की पूजा अभी तक चल रही है। काश बच गया, इससे पहले कि पकड़ा जाऊं फटाफट किचन में पहुंच जाता हूं। अरे जेठिया। हाँ बापू जी। चाय बन गई? हाँ बन गई बापू जी। हाँ तो ला। हाँ लाया बापू जी। ये लीजिए बापू जी, गर्मा गर्म मसाला चाय तैयार है। ये लीजिए, ये आपकी चाय। ये ले बेटा, ये तेरी चाय और ये मेरी चाय। अरे वाह बेटिया, चाय मस्त बनी है। थैंक यू बाबूजी। लेकिन रोज से अलग है, नहीं दादाजी? हाँ अलग तो है लेकिन मस्त बनी है जेठिया। थैंक यू बापूजी। आज इतनी अलग कैसे बनी है पापा? अरे भाई तो चाय का मजा लेना बेटा, कैसे बनी ना, क्यों बनी ना, वो सब पंचायत में क्यों पढ़ रहे तू? चाय का मजा ले, चाय पी, चाय पी। ए जेठिया, अरे ऐसा क्या कर रहा है? बेचारा पूछ रहा है तो ठीक से जवाब देना। बन गई चाय अच्छी, क्या कर सकते हैं। चल चल टप्पू, मैं तुझे बताता हूँ। देख क्या है, ऐसी चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो दूध को तपेले में निकालना है। अच्छा, फिर दूध को गर्म नहीं करना है। ओ अच्छा। हाँ, तपेले को पूरी रात किचन के प्लेटफॉर्म पे रहने देना। उससे क्या होगा कि सुबह दूध फट जाएगा, और फिर जब उस फटे हुए दूध की चाय बनाओगे ना, तब ऐसी मस्त चाय बनेगी। बराबर है जेठिया? बराबर बोला ना मैंने? सॉरी बापूजी। सॉरी? क्यों सॉरी क्यों? अभी सब जान के भी अनजान हो रहे हैं आप। क्या जान कर? बापूजी आपने मुझे बोला ना कल की दूध उबाल के फ्रिज में रख देना, तो मैं दूध उबाल नहीं जा रहा था, इतने में नाथा काका का फोन आ गया और उनको धनजी काका का नंबर चाहिए था। अभी वो नंबर मेरे पास था नहीं और उसी वक्त आप सोने चले गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी आपको कहाँ डिस्टर्ब करूँ, तो आपकी डायरी में से धनजी काका का नंबर निकाल के मैंने वो नंबर दिया नाथा काका को। तो ये सब मैं क्या फिर ये दूध उबाल के फ्रिज में रखने की बात ही मैं भूल गया एकदम। तो दूध क्या है कि बारी रह गया था और सुबह देखा तो दूध फट चुका था। तो फिर ये चाय कैसे बनाई तूने? वो बापूजी अभी बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो सुना, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कहाँ काम पे जाना है। वो क्या हुआ, ऐसे ये चाय बनी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें अंजलि बेटी के हाथ से बनी चाय पीने मिली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब भी मैं सोचूं चाय इतनी अलग कैसे बनी। हाँ बस अभी समझ गया ना बेटा। हाँ मतलब आपने इतना डिटेल में बताया तो मैं समझ गया। बस तो अभी चाय का मजा ले। हाँ बेटा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू क्यों बापूजी? मुझे चाय पिलाने के लिए तूने कितनी भाग दौड़ी की, इसलिए थैंक यू। इससे पता चलता है कि तू मेरा कितना ख्याल रखता है। मुझे आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? पापा मैं भी हमेशा आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। ए बेटा वो तो तू रखेगा ही, कुआ में हो हवेड़ा में आवे। अरे नहीं नहीं बापू जी, मैं भी हवेड़ा ही हूँ, कुआ तो आप है। वैसे देखने जाए तो मैं भी हवेड़ा ही हूँ, कुआ तो हमारे पूर्वज है। अरे हाँ। चल चल अभी चाय पी ले, फिर दुकान भी जाना है ना। हाँ बापू जी, ये दूध ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट हो गया, मैं फटाफट चाय पी के निकलता हूँ। चले बापूजी मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जय पापा। हाँ भाई तो बराबर है, सब रख देना बेटा। डोंट वरी।
वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, डाउनलोड एंड प्ले नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड एप स्टोर।